हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो कश्मीर में अब तिरंगा लहराएगा। 370 की घटा यहां से अब छट गई है। वो घटाएं अब नहीं रही जिनकी वजह से तमाम तरीके की बंदिशें थी। संसद के सदन से लेकर हरियाणा के विधानसभा सत्र तक में आज गूंज रही तो बस मोदी सरकार के फैसले की। सालों साल तक अधर में लटकी धारा 370 से आखिर कश्मीर की आवाम को आजादी मिल ही गई। लेकिन संसद के दोनों सदनों से लेकर हरियाणा के विधानसभा सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। जरा आप भी देखिए। कश्मीर पर हंगामा जब पूरे देश भर में हो रहा है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हरियाणा में हंगामा ना हो। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वो भी हंगामे के साथ। लेकिन हंगामा शुरू होने से पहले हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कश्मीर मामले को उठाकर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। लेकिन जो हंगामा संसद में हुआ, जो नाराजगी संसद में विपक्ष ने रखी, वैसा ही कुछ विधानसभा में भी देखने को मिला। हंगामा हुआ तो नारेबाजी भी होने लगी। सर असी मानस दसगण असी मानस दसगण दर्शन काल नहीं नहीं हो गया। देखिए आप सर्वसम्मति के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर हमारा है के साथ भारत माता की जयकारे लगाए जाने लगे। कश्मीर में हरियाणा के जवानों का जिक्र भी होने लगा। बात शुरू हुई तो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि हरियाणा के जवानों ने कश्मीर को अपने खून पसीने से सींचा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 370 अनुच्छेद को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं। इस आदेश का नाम संविधान ब्रैकेट जम्मू और कश्मीर पर लागू ब्रैकेट बंद आदेश 2019 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय समय पर तथा यह संशोधित संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 का अधिक्रमण होगा। समय समय पर यथा संशोधित संविधान के संबंध सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों आशोधनों के अधीन लागू होंगे वे निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा। पहला, संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है के प्रयोजनों के लिए का यह संविधान तथा को उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके संबंधों का निर्देश माना जाएगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर रियासत जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके निर्देशों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। ग, उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा। इस संविधान के अनुच्छेद 370 के पंतुक में खंड 2 में उल्लेखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से ये 370 का ये संशोधन है। पार्लियामेंट में स्पीकर सर ये इतना एक मुबारक और ऐतिहासिक हुआ है, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने जनता दल बीजेपी ने पार्लियामेंट में इसका समर्थन किया है। आप पार्टी है उसने इसका समर्थन किया है। शिवसेना ने इसका जोरदार डीएमके ने स्पीकर सर 1952 में स्पीकर सर और एक
तकरीर के माध्यम से कहा कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेकर जाना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, हेयर आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री मिनिस्टरशिप एंड आई एम गोइंग टू माय कश्मीर। अब कश्मीर के हालात इसके बाद बदलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा राहत की बात होगी। कश्मीर खड़े में बहुत बड़ा योगदान हरियाणा की उस जवानी का है जो हमेशा बॉर्डर पर खड़ी रहती है, आतंकवाद से लड़ती रहती है। उन जवानों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस बात को, क्योंकि ये जो कश्मीर बचा रहा है उसमें इस रक्त की बहुत बड़ी जो है मैं कहूंगा कि हिस्सेदारी है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रक्त के साथ साथ हरियाणा के वीरों का रक्त बहुत बड़ी मात्रा में बहा है। और इसलिए हम इस बात को कि आज जो फैसला हुआ है, हालात बदलेंगे तो हमारे घरों में भी चैन अमन रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है जिसकी चर्चा पहले ठीक आदरणीय रामविलास जी ने, अनिल विज ने, रोमबरगा धनखड़ जी ने रखी है, मुझे लगता है कि सारे सदन से इसको पास करना चाहिए। वही कांग्रेस विधायक किरण दलाल ने कहा कि सरकार प्रस्ताव लाने से पहले ये स्पष्ट करे कि सदन का धन्यवाद करना है ये राष्ट्रपति के द्वारा पारित ऑर्डिनेंस का। राज्यसभा लोकसभा के सदन का धन्यवाद करना है, जहाँ तक मैंने अभी टेलीविजन पे देखा है तो ये प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है राष्ट्रपति जी ने, और टेलीविजन के ऊपर जैसा मैंने सुना है तो बेहतर ये होगा कि पहले मुख्यमंत्री जी रेजोल्यूशन मूव करने से पहले ये हालात। बताएं कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है या हाउसेज ने, और बल्कि बेहतर ये हो कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस आया है उसको इन्हें टेबल करना चाहिए था कि भाई ये कंटेंट्स हैं उस एड्रेस के, जिससे करके और सब सदस्य अपनी अपनी बात कह सकते हैं। वही संसद से लेकर सड़क तक सरकार के इस फैसले पर लोगों में उत्साह नजर आया, लोग इस फैसले पर बेहद खुश नजर आए। हम तो ये कहते हैं हमें बहुत खुशी हुई है कि महादेव जी की कृपा से पहले सोमवार को तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान का भेज दिया, दूसरे में आपका तीन तलाक का किया, दूसरे सोमवार को तीन तलाक, तीसरे सोमवार को आज एक इतनी बड़ी खुशी दी है कि उन्होंने धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया। आज का दिन पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो मांग 72 वर्षों से जो है संघ आरएसएस जो है करता आ रहा था, भाजपा का जो एक एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, वो आज मोदी सरकार ने और अमित शाह ने पूरा कर दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है 370 हटाने का, और उसको जिस प्रकार से मंजूरी मिली है वो पूरे भारत के लिए, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शामिल है, हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, एक तरीके से आज देश आजाद हुआ है। जितना वहाँ पर जाते थे जम्मू श्रीनगर कश्मीर में जब जाते थे तो हमें देखने को मिलता था, हमारे साथ ऐसे भेदभाव होता था जैसे हम कहीं दूसरे देशों से आते थे। जब किसी भी प्रकार कोई भी इंसान कहीं भी जमीन ले सकता है मगर वहाँ नहीं वो ले सकता, ये अत्याचार था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना ये देशवासियों के लिए सौभाग्य। 1947 में जब जम्मू कश्मीर के मामले में हमारी तत्कालीन सरकार से जो गलती हुई, आज उसको
70 साल बाद भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उस स्थिति को सुधार लिया है और जम्मू कश्मीर का नागरिक देश की मुख्य धारा में आज उनके इस निर्णय से आ गया है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, नेता, अभिनेता सब खुशी जाहिर करते रहे, बेशक इसका उन पर किसी भी रूप में असर ना हो, लेकिन फिर भी देश के लिए, देश के सभी लोगों के लिए ये बेहद खास दिन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खबर गर्म है, मैं फिलहाल यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।